मेरा नाम सावित्री बाई है, सावित्री बाई यादव। मेरा राशन कार्ड विजय यादव और संग में भरत यादव का, और हमें समय से राशन मिलता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है और 4 महीने से फ्री मिल रहा है। क्या क्या मिलता है आपको राशन में? गेहूँ चावल और कभी कभी चना, चने की दाल, राहर की दाल, और अभी अभी है तो जब से कोरोना काल लगा है जब से फ्री 4 महीने से राशन मिलती है। शक्कर नहीं मिलती, मिट्टी का तेल नहीं मिलता। कब से नहीं मिला ये? कम से कम 1 साल हो गए शक्कर नहीं मिली और मिट्टी का तेल भी ऐसे ही नहीं मिला। आपका नाम? हमारा नाम सावित्री बाई यादव। जी भाई साहब, बताइए आपके साथ क्या हुआ? मेरा जो राशन कार्ड था ये पीला वाला, वो बंद कर दिया गया और मैं राशन कार्ड चालू करवाने के लिए बहुत भटका, कम से कम 8-10 महीने। तो कई बोलते कि नगर निगम जाओ, कई बोलते कि कलेक्ट्रेट जाओ, और जब मैं नगर निगम जाता था बार बार मुझसे फॉर्म जमा करवाया जाता था और बोले आपका वो डिलीट हो गया है। और जब वो मुझे पात्रता पर्ची मिली तो वो कम से कम मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर की मिली, जबकि मेरा घर दुर्गा नगर में है, वहाँ पर भी राशन दुकान है। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। उसके बाद मेरा फिर पर पात्र पर्ची बनी। तो आपको क्या बोलते हैं, राशन कार्ड से अभी राशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा? हाँ, मिल रहा है राशन कार्ड। पहले कितना मिलता रहा? पहले मिलता था मुझे 35 किलो, अब मुझसे मिलता है 10 किलो। तो ये पात्र पर्ची किसने बदली? ये यहाँ नगर निगम से बदली गई है। कौन सा जोन लगता है? जोन क्रमांक 3। महत्वपूर्ण होती है रोटी, कपड़ा और मकान। मकान की व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वह शहरी हो चाहे ग्रामीण इलाके के रहने वाले लोग हों, जिनके घरों पर छत नहीं लगी कभी। देश के 70 साल आजादी के हो गए थे, कांग्रेस सहित अनेक पार्टियों ने राज किया, अनेक व्यक्तियों ने देश में प्रधानमंत्री पद पर बैठकर उस पद पर सरकार को चलाया, लेकिन ये मूलभूत आवश्यकता की चीजें पता नहीं ध्यान में आई या नहीं आई। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिसके नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, और उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान की सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के साथ ही व्यवस्था जबलपुर सहित पूरे हिंदुस्तान के लोग के लिए की। एसपीसी बहुला जी, हमारी पार्टी के महामंत्री रंजन सिंह यादव जी,